नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिक्स एक्सपर्ट पे। मैं हूं गौरव कुमार और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं बिहार सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की सारी आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, बिल्कुल डिटेल में कि आपको फंड कितना मिलेगा, आपको आवेदन कहाँ पढ़ना है करना है, सारे कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जनरल के लिए कितने कितने प्रतिशत सब्सिडी है और लोन की क्या व्यवस्था है नहीं है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो बिहार के लिए है, जैसा कि कल के वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किया था, तो बिल्कुल आगे से बारी बारी से अब बिहार की आज से शुरू किया हूँ, उसके बाद अन्य सभी राज्यों पर मैं बहुत ही कम समय में वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए कि बिहार राज्य में कैसे आवेदन करना है, वो कौन कौन सी योजनाएँ हैं जिसके तहत आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने जो मैंने लिस्ट खोल कर रखा है, इस लिस्ट की बात मैं आपको करूंगा। चलिए स्क्रीन पे ये देख लीजिए, बिहार सरकार की ओर से ये जारी की गई है, ठीक है, 22/9/2020 को ये जारी की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्यकी विकास तथा मत्स्यकी आधारभूत संरचना के विकास हेतु केंद्रांश 34,000 करोड़ और राज्यांश 22,000 करोड़ रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति है, ठीक है। इसके तहत कई योजनाएँ हैं जिसका लाभ आपको मिलेगा और आपको लाभ कैसे लेना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछुआ, मत्स्य पालक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य मजदूर, मत्स्य विभाग अभिकरण, स्वयं सहायता समूह जिसको SHG भी बोलते हैं, स्वयं संयुक्त देयता समूह, मत्स्य जीवी सहयोग समिति, मत्स्य फेडरेशन, मत्स्य उद्यमी कंपनियाँ, मत्स्य उत्पादक समूह, संसाधन संस्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग, राज्य सरकार एवं संबद्ध उपक्रम, राज्य मत्स्यकी विकास बोर्ड, भारत सरकार द्वारा उपक्रम आदि इसके लाभ ले सकते हैं। तो आपको ध्यान यही देना है कि आप इन सब के अंतर्गत में से किसी एक में भी आते होंगे, ठीक है। उद्देश्य सिंपली यही है कि मछली पालन को बढ़ावा देना है। फंडिंग पैटर्न क्या है जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो बताना चाहूँगा कि केंद्र क्षेत्र की योजना है, ये केंद्र सरकार द्वारा योजना है। इसके तहत 100% राशि भारत सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा, राज्य सरकार यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगी। केंद्र प्रायोजित योजना के लाभुक आधारित उपघटक के तहत अन्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए इकाई लागत का क्रमशः 40%, अन्य श्रेणी वाले को 60%, अनुसूचित जाति वाले को और अनुसूचित जनजाति वाले को भी 60% एवं महिला और अन्य श्रेणी के महिलाओं को भी 60% के अनुदान का प्रावधान है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आप महिला हैं और किसी भी वर्ग से आते होंगे, जनरल एससी एसटी ओबीसी ओपन, आपको 60% का अनुदान मिलेगा। अगर आप एसटी में हैं तो 60%, एससी में भी हैं तो 60%, अगर आप जनरल में आते हैं ओबीसी में आते हैं तो 40% का अनुदान मिलेगा, ठीक है। निर्धारित अनुदान राशि का केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा। 60 आपको अगर राज्य केंद्र कर रहा है तो 40 आप राज्य से ले सकते हैं। गैर लाभुक आधारित परियोजना योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा इकाई लागत का 60:40 अनुपात में वहन किया जाएगा, ठीक है। अब मैं बारी बारी से आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से एक एक वीडियो में दो दो योजना के बारे में मात्र में डिस्कस करूंगा, उसके बाद में फिर डेली एक कोशिश करूंगा एक वीडियो आपके लिए लेके आऊं, ठीक है। तो सबसे पहली जो योजना है दोस्तों इसके तहत वो है मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन। 6 मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन योजना के अंतर्गत किया जाना है। इसमें 4 अन्य श्रेणी के लिए है, यानी कि अन्य श्रेणी यानी कि जनरल ओबीसी के लिए, 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, ये पूरे बिहार के लिए है, ठीक है। और एक अनुसूचित जाति है और एक सभी श्रेणी के महिला लाभों को दे हुआ, एसटी के लिए नहीं है, वो अन्य श्रेणी में ही डाल सकते हैं, ठीक है, अलग से नहीं है। मत्स्य हैचरी की इकाई लागत है 25 लाख रुपए, जिसमें कि 60% अगर आप महिला हैं कर रहे हैं तो 60% सरकार देगी, एसटी में भी है तो 60% सरकार देगी और एससी में भी 60% सरकार देगी, अन्य में 40%, ठीक। रेयरिंग तालाब का निर्माण एक योजना है जिसके तहत 250 हेक्टेयर रेयरिंग तालाब का निर्माण योजना के अंतर्गत किया जाना है। इसमें 145 हेक्टेयर से अन्य श्रेणी, ठीक है, 145 हेक्टेयर अन्य श्रेणी के लोगों को मिलेगा और 40 हेक्टेयर जो है वो आपको अनुसूचित जाति और 3 हेक्टेयर अनुसूचित जनजाति तथा 62 हेक्टेयर सभी श्रेणी के महिला लाभुक को दे होगा। रेयरिंग तालाब का इकाई लागत है 7 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो आप मान लीजिए 1 हेक्टेयर का तालाब बना रहे हैं तो 7 लाख में से आपको 60% सरकार दे देगी, अगर एसटी से आते हैं तो, एसटी से आते हैं तो, महिला से आते हैं तो, अन्य से आते हैं तो 40%। तो ये दोनों योजना के बारे में दोस्तों आपसे हमने मैंने बात की इस वीडियो में बिहार के नागरिकों के लिए। तो शीघ्र अतिशीघ्र कैसे आपको
आवेदन करना है, ये जो पीडीएफ मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ ये आपको कहाँ मिलेगा ये मैं बता दे रहा हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट ट्रिक्स एक्सपर्ट पर मैंने डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे ये मैंने पीडीएफ डाल दिया है, आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आपको ट्रिक्स एक्सपर्ट चैनल पर मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं वो वीडियो भी देखना तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कुछ भी पूछना हो बताना हो तो बेझिझक आप मुझे फेसबुक पर ट्रिक्स एक्सपर्ट इंडिया सर्च कीजिएगा, मेरा पर्सनल आईडी आ जाएगा, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करके अपना प्यार जरूर दें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।